तो दोस्तों आईपीएल 2012 का फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें केकेआर की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेटों से हराकर पहली मर्तबा आईपीएल की ट्रॉफी को अपने नाम किया था। दोस्तों उस मुकाबले में टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप की बदौलत 20 ओवर में 190 रन ठोक डाले, जहां पर उनकी तरफ से ओपनर माइकल हसी और मुरली विजय ने जबरदस्त शुरुआत दी। माइकल हसी ने कुल मिलाकर 54 रन बनाए। मुरली विजय की बात करें, उन्होंने भी अपनी टीम के लिए 42 रन ठोक डाले और फिर फाइनली पारी को बहुत अच्छी तरीके से सुरेश रैना और एमएस धोनी ने एंड करा, जहां पर सुरेश रैना ने 73 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी 38 गेंदों में और एमएस धोनी ने 9 गेंदों में 14 रन बनाए। फिलहाल दोस्तों इसके बाद दोस्तों जब केकेआर की बल्लेबाजी आई तो वहां पर उनको बड़ा ही झटका लग गया, क्योंकि उनके कप्तान गौतम गंभीर पहले ही ओवर में आउट हो गए। लेकिन इसके बाद मनविंदर बिस्ला और जैकस कलिस ने दोस्तों एक जबरदस्त पारी बिल्डअप करी और फिर अपनी टीम के मुकाबले की जीत के कगार पर पहुंचा दिया और फाइनली वहां पर साकिबुल हसन और मनोज तिवारी जो थे 3 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी केकेआर को जीतने के लिए। एक चौका लगाकर मनोज तिवारी ने इस मुकाबले में 5 विकेट से केकेआर को आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करवा दी। वैसे में दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन सी टीम आईपीएल 2022 की चैंपियनशिप को अपने नाम करेगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आईपीएल से जुड़ी हाइलाइट्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।